दे दस दे। नारी पू नारी सब और पानी लो। दुखी का बात है कि एमए स्टूडेंट्स बीए स्टूडेंट्स आज अमीन और ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा परिस्थिति है। आज शायद हम लोग का ओपनिंग कितना 40 नौकरी के लिए है और ओवर 5000 से 6000 लोग जाएंगे। अब चिंता ये है कि ये जो 40 लोगों को नौकरी मिलेगा ये कोई परिवार से नहीं होना चाहिए, कोई एमडीसी का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कोई ईएम का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कोई सिफारिश से नहीं होना चाहिए। इसमें जो 40 लोग या जो भी वैकेंसी है वो उनको मिलना चाहिए जो सबसे वंचित है, गरीब है और जिनको दरकार ही नौकरी का। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कम से कम 5000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका क्या होगा वो भी हमको सोचना है। आज यहाँ में रिक्रूटमेंट हो रहा है, इतना गर्मी है यहाँ में, इसके लिए मैंने देखा कि इतना गर्मी है तो पानी, इसके लिए मैंने अपने ईएम्स को बुलाया, बीसीस को बुलाया कि आपका काम ऑफिस में बैठ के नहीं है, यहाँ में इतने लोगों को पानी का दरकार है, आप पानी दीजिए। मैं खुद जाके मैंने कम से कम 100 से 150 बॉटल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया थी। तो हमारा काम नेता बन के ऑफिस में बैठना नहीं है, हमारा काम तिपरासा के संग रहना है और इसी के लिए मैं ग्रेटर तिपरालैंड चाहता हूँ। आज 40 जॉब्स के लिए 5000 लोग ने अप्लाई किया है, अगर हमारा अपना स्टेट हुआ तो 40 नौकरी क्यों, हम लोग 2000 3000 4000 नौकरी दे सकते। आज जितना भी बजट है वो अगरतला में है और अगरतला में ही लोगों को नौकरी मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा अगर तिपरालैंड आए, ग्रेटर तिपरालैंड आए तो सबको नौकरी मिलेगा, हमारे तिपरासा को नौकरी मिलेगा। जमीन हमारा था, आज हमको अपने लोगों को एक चांस देना चाहिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो जॉब्स आएगा मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो नौकरी होगा ये कोई एमडीसी या ईएम का रिश्तेदार नहीं हो या किसी के सिफारिश से नहीं हो, जो सबसे डिजर्विंग है, गरीब है, जिनके परिवार में प्रॉब्लम है उन्हीं के पास ये जाना चाहिए। और जिनको नहीं मिलेगा नौकरी उनके लिए भी हम लोग को कोई हम लोग को सोचना पड़ेगा। देखो अप्लाई करने के लिए जो भी EDC एरिया में वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन हमारा प्रेफरेंस होगा कि हानी बुसा को सबसे पहले नौकरी मिले।